हजारहा दफा मैं यहाँ से गुजरा हूँ, कभी किसी ने मुझे इस चीज के ऊपर नहीं कोई ऐसी बात की। उसे असल में बड़ा जोर से आया होता कि कोई मुझे पैसे चाहिए। इस वेलकम टू पाइन हिल्स। वाह जी वाह, ये जनाब कोई बुजुर्ग हजरत हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा, चोट चोट तो नहीं, गिरे तो नहीं रास्ते में? अच्छा, नहीं था, इसके ऊपर मैंने रिसीवर लगाना था। ये फिर जब आप काफी अरसे के बाद ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो फिर इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो होनी होती हैं। एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत माजरत, बड़ा इंतजार कर रहा है सर। बात पता है कि बंदा कभी कभी निकले ना तो भूल जाता है। मैं ये वाला इधर जो लगाते हैं ना वो इधर लगा रहा हूँ और वो वाला इधर लगा रहा हूँ, उसको फिट करने के लिए मैंने 10 दफा इसको उतारा है, लगाया है, लेकिन वो बात ही ना माने। वो कहे मैंने फिट ही नहीं होना। मैंने कहा यार ये चंगा मजाक है। वो एंड में आके फिर मैंने जब दूसरी साइड वाले को फिक्स करना शुरू किया ना फिर अंदाजा हुआ। चलें सर, बिस्मिल्लाह। तो जनाब अब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हमने अली भाई को मिलना था 0 पॉइंट से आगे, एक पॉइंट था वहाँ पे, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से अब ऑनवर्ड दो चीज़ें मेरे जहन में थी क्योंकि टाइम कम था, वरना यहीं से मैंने पेट्रोल भी फिलअप कराना था और ATM से कैश लेना था। और दोनों चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था तो मैंने दोनों चीज़ें छोड़ दी। अब आगे चल के ये दोनों काम भी करने थे लेकिन शर्मो शर्मी मैं बात भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, ऑलरेडी जो है ना मैंने इंतज़ार काफ़ी करवा दिया है। बहरहाल ये सारी जर्नी बजाय इसके ये आपको सारा नॉर्मल स्पीड में दिखाएं, तेज़ी से निकलते हैं ताकि आगे पहुँचे नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा, क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स में ये सारा पैच तो मैंने आपको बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है बाइक पे। लेकिन बैठते ही दिल ऐसे कर रहा होता है कि यार अब यहाँ से किक मारे ना तो नेक्स्ट हमारा स्टॉप जाके गुंजा स्कर्दू में हो और नारान कागान में हो, यानी फिर दिल करता है कि बस अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ब्रेक नहीं लगे। तो वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है व्हेन यू आर ऑल रेडी एंड ऑल प्रिपेयर्ड और सारे आपने इक्विपमेंट हर चीज़ अपनी तैयार की होती है और आप जा रहे होते हो, तो वो फीलिंग जो है ना वो आ रही थी। लेकिन इट वॉज़ अ शॉर्ट ट्रिप, हमने जाना था आज रैली के लिए और रैली को अटेंड करके उसके बाद फिर वापस आ जाना था। तो दिस वॉज़ द प्लान और
नेक्स्ट फिर हम पहुँचे अली भाई को मिलने के लिए वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे भी नहीं थे। काफ़ी देर वो वेट करते रहे, फिर उन्होंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता हूँ। तो फिर नेक्स्ट हमारा उनके साथ था कि वो चिड़ियाघर के जो पॉइंट है वहाँ पे वो हमारा वेट करेंगे। तो इधर जहाँ पे हमारा मीटिंग प्लेस था वहाँ पे हमने उनको देखा, वहाँ पे वो नहीं मिले, फिर हम आगे चले। मेरा था कि अब यहाँ पे हम पेट्रोल भी भरवा लें, तो ये बारह जो पॉइंट था जहाँ पे ही वॉज सपोज टू बी हेयर, लेकिन हमारी वजह से वो यहाँ से आगे निकल गए थे। तो बहरहाल फिर हम आगे चले और नेक्स्ट फिर हमारा जो पॉइंट था वो राइट साइड में के ब्लू एरिया वाली रोड पे लेफ्ट साइड पे अटक पेट्रोलियम स्टेशन था, उधर हमने फिर पेट्रोल फिल कराया और उसके बाद F6 में वहाँ से मैंने ATM में से कैश लिया। उसके बाद फिर हम पहुँचे जो चिड़ियाघर का पॉइंट है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग एक इनकाउंटर हुआ हमारा जो पुलिस वाले के साथ, पुलिस मुकाबला हुआ, तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब इस उम्र में लगता नहीं है कि यार ये इस किस्म की कोई हरकत होनी चाहिए, लेकिन यू नेवर नो कब क्या हुआ। कार जो है ना जारी है सुबह सुबह। सर फिटनेस की फिटनेस है, हम भी साइकिल पकड़ लेते। मैं यही सोच रहा हूँ मेरे लिए तो ज्यादा जरूरी है, आपकी तो खैर है, क्योंकि फिटनेस जो है ना अपनी तो फारिग है। सही बात है, मेरी भी फारिग है वैसे। है सर, फिर भी पेट आपका उतना नहीं निकला हुआ जितना मेरे पास, तो फीस बिलिल्ला जो है ना खजाना, ये चर्बी जो है चढ़ाई हुई है बाबा। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। बड़ा आवाज था ना साहब, हैं नॉर्मली है आवाज़ भी, इतनी खास क्या है सर। हैवी बाइक्स गुजर जाते हैं उनकी आवाज़ें भी चल रही हैं। हजार हाँ दफ़ा मैं यहाँ से गुजरा हूँ, कभी किसी ने मुझे इस चीज़ के ऊपर नहीं कोई ऐसी बात की। सर इजाफी भी है ना, तो मुझे आज तक पहले आप ऐसे जो ऑफिसर है कि जिसने, ठीक है नहीं मैम, ठीक है सर मेहरबानी। उसे असल में बड़ा जोर से आया होता कि कोई मुझे पैसे चाहिए इस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अली भाई? अली भाई आपने पुलिस वाले को जो है ना फिरकी दी है कोई?
वो मुझे कहता है ये स्लेंसर। मैंने कहा आज तक मुझे जो है ना 30 साल हो गए यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाते हो, किसी ने मुझे स्लेंसर की बात नहीं की। आप पहले बंदे आप कह रहे।